एक बार फिर तो दिल नू दहला के रख देन वाला मामला आया सामने। देखो कि में एक व्यक्ति दा तेज तार हथियारां दे नाल कर दिता गया कतल। इस वेले दी खबर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हां कि एक व्यक्ति दा बेहद ही बेरहमी दे नाल कतल कर दिता गया। तेज तार हथियारां दी वरतों की गई है। इस कतल दे विच दस्सिया जा रहा है कि रोपड़ दे गऊशाला रोड दे उत्ते पूरी वारदात वापरदी है कि एक व्यक्ति दा कुछ व्यक्तियां दे वल्लों तेज तार हथियारां दे नाल कतल कर दिता जांदा है, जिस करके मौके ते जख्मी हो जांदा है ते मौके ते ही उसकी मौत हो जाती है। मिंटां दे विच उस जगह दे उत्ते चीक चहाड़ा पैना शुरू हो जाता है। हालांकि कोई भी कारण स्पष्ट हुंदा होया नजर नहीं आ रहा है कि आखिरकार कौन सी वह व्यक्ति जिन्हां दे वल्लों इस व्यक्ति का इन्नी बेरहमी दे नाल कतल किया गया। दस दिए कि जिस व्यक्ति का कतल किया गया उसकी पछाण द्वारका दास वासी आदर्श नगर रोपड़ वजो हुई है। कतल बड़ी बेरहमी दे नाल किया गया। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल दे विच लगी हुई है कि आखिरकार वह कौन व्यक्ति सीगे जिन्हां दे वल्लों इस व्यक्ति का इन्नी बेरहमी दे नाल कतल किया गया। तो दस दिए कि मौके दे उत्ते पुलिस प्रशासन पहुँच जाता है। मौके पर पुलिस प्रशासन जदों पहुँचता है तो जिथे व्यक्ति का कतल होया जिस जगह उत्ते जदों पुलिस प्रशासन पहुँचिया तो उस थान के उत्तों काफ़ी कुछ अजिहा समान जिहड़ा आ बरामद किया गया। कुछ अजिहे हथियार बरामद किए गए जो कि कतल दे विच वरते गए सीगे। फिलहाल फोरेंसिक टीम जिहड़ी उत्थे पहुँच चुकी है उन्होंने वालों जांच पड़ताल इस मामले में लैके की जा रही है। पर बेहद ही मंदभागी खबर है कि किस तरीके दे नाल दिन दिहाड़े ही इस कतल की वारदात को अंजाम दिता गया, जिस तों बाद पूरे इलाके दे विच सहम का माहौल फैलिया होया कि किस कदर दिन दिहाड़े अजिहियां वारदातां नूं लोकां कई अजिहे मुलजमां दे वल्लों अंजाम दिता जा रहा है। तो फिलहाल कोई भी कारण तो स्पष्ट हुंदा होया नजर नहीं आया कि आखिरकार कौन व्यक्ति सीगे किन्हां दे वल्लों इस व्यक्ति का इन्नी बेरहमी दे नाल कतल किया गया। कोई कारण स्पष्ट हुंदा होया नजर नहीं आ रहा, पर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के दौरान देखना होगा कि आखिरकार की कुछ निकल के सामने आता है। पर इलाके दे विच सहम दा माहौल है। रोपड़ के गऊशाला रोड के उत्ते ही पूरी वारदात वापरती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम आदर्श दास दसिया जा रहा है, माफ़ करना, जिसका नाम द्वारका दास दसिया जा रहा है, जो कि आदर्श नगर रोपड़ वजो निवासी है। उसका बेरहमी दे नाल तेज धार हथियारों दे नाल कतल किया गया, जिस तों बाद पूरी घटना देखने तो बाद या सुनने तो बाद हर एक व्यक्ति सहम चुका है। तो उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि अजिहे लोगों के उत्ते जल्द तो जल्द सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है ता जो कोई होर अजिही वारदात को अंजाम ना दे सके। फिलहाल जांच का विषय देखना होगा पुलिस प्रशासन के वालों की कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल मौके दी तस्वीर देख लैंदे आ। ਰੋਪੜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਆ। ਕੁਝ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਸ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਮੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਸਿਡਿਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਬਸ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਅਰਜੁਨ ਟੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਅਬ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰੇ ਟੌਪ MD ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੇ ਸਾਥ, ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਬੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਕਲੀਨਿਕ, ਔਰ ਪਾਏ ਸਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, www.planetayurveda.com।